आज के वेबिनार में हम विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के आवेदकों पर विशेष जोर देंगे। अक्सर ये देखा गया है कि जागरूकता की कमी के कारण कुछ आवेदक पंजीकरण फॉर्म नहीं भर पाते या कुछ दस्तावेजों की कमी के कारण वे प्रवेश नहीं ले पाते। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इस विशेष वेबिनार का आयोजन किया गया है। आज हमारे बीच दिल्ली विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर योगेश सिंह सर मौजूद हैं। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे बीच रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास गुप्ता भी हैं। सर, आई ऑल्सो वेलकम यू। प्रवेश शाखा से डीन प्रोफेसर हनीफ गांधी और प्रोफेसर संजीव सिंह संयुक्त टीम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अधिक समय ना लेते हुए अब मैं डीन मैम से अनुरोध करूंगा कि प्रोग्राम का आरंभ करें। सभी को नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है। मैं वाइस चांसलर सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि स्वागत करें। नमस्ते, दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा हम सभी जानते हैं कि इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से एडमिशन करने जा रहा है। एक नई व्यवस्था है, पहले हम लोग एडमिशन मेरिट बेस्ड किया करते थे, 12th के मार्क्स जो आपके आते थे उससे एडमिशन होता था दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन उसकी अपनी कुछ समस्याएं भी थी। अलग अलग बोर्ड्स के अलग अलग जांचने के तरीके थे जिस कारण काफी डिस्पैरिटी होती थी, और ये जो व्यवस्था है टेस्ट की ये सभी को एक समान अवसर प्रदान करती है। ये भारत के हर हिस्से में रहने वाले विद्यार्थी के हित में है, गांव के विद्यार्थी के हित में है, शहर के विद्यार्थी के हित में है, बड़े शहरों के विद्यार्थी के हित में है। तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे ये चलेगा सब लोगों को उसकी आदत होगी, परंतु ये पहला साल है, इस कारण से बहुत सारे लोगों के मनों में प्रश्न है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तय किया कि हम वेबिनार ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि हम स्टूडेंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकें, पेरेंट्स से डायरेक्ट बात कर सकें, उनकी डिफिकल्टीज को समझ सकें और अपने जो रूल्स के प्रोविजन से वो बता सकें। आप सब जानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय बहुत ही प्रतिष्ठित है, हम चाहेंगे कि आप सभी का यहाँ एडमिशन हो, आपके भविष्य को बनाने में हमारा भी सहयोग हो। ऐसा मानते हुए आज का जो ये वेबिनार है आपके मन में जो प्रश्न हैं बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी देगा और आपको दिशा देने का प्रयास करेगा। मेरी तरफ से सीयूईटी के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, खुले मन से अच्छी तैयारी के साथ बैठिए, ये आपके हित में है और आपके लिए इससे कुछ अच्छा निकलेगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ नाउ आई रिक्वेस्ट प्रोफेसर हनीफ टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। धन्यवाद सर। आज का जो हमारा वेबिनार है ये विशेष तौर पर हमने हमारी जो रिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रस्तुति रखी है। मैं अपने पावर पॉइंट खोलती हूँ। पहले सर आपको दिख रही है आनंद सर? जी मैम, प्रेजेंटेशन दिख रही है जी। एक तो ये हमारे सारे जो स्नातक प्रवेश कार्यक्रम है उनसे आपको अवगत कराने का प्रयास है, और आपको जितनी हमारी ये प्रेजेंटेशन जो है प्रस्तुतिकरण जो है चार भाग में हमने इसे विभाजित किया है। पहले हम आपको सीयूईटी के बारे में जानकारी देंगे, उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में जो आरक्षण नीतियां हैं उनके बारे में अवगत कराएंगे, इसके बाद जो आपको दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं सीयूईटी में रजिस्ट्रेशन करते समय, पंजीकरण करते समय, उसके बारे में जानकारी देंगे, और चौथे भाग में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने कॉलेजेस हैं उनमें हमारे पास आपके लिए क्या क्या छात्रवृत्तियां या कि स्कॉलरशिप्स उपलब्ध हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं जब आप यहाँ प्रवेश लेंगे। तो ये जो हमारा संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया है जो शुरू जिसका आरंभ हो चुका है, आगाज हो चुका है 6 अप्रैल से, ये सभी जैसा सर ने बताया ये एक ऐतिहासिक कदम है जिसमें हम बोर्ड आधारित योग्यता प्रणाली से राष्ट्रीय व्यापी प्रवेश प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं। इसकी सारी जानकारी आपको cuet.samarth.ac.in cuet.samarth
www.nta.ac.in पर मिलेगी जो NTA द्वारा प्रचलित है। यहाँ पर कई विश्वविद्यालय पहले से नामांकित हैं और विश्वविद्यालय शामिल होने की संभावना है। इसकी प्रक्रिया या पंजीकरण 6 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, अभी 9 मई है, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये डेट आगे एक्सटेंड होगी और आपके लिए अभी और मौका दिया जा रहा है, तो आप इसमें पंजीकरण की प्रक्रिया में हिस्सा लेना शुरू कर दीजिए। CUET का जो पेपर है, जो टेस्ट है, वो 3 खंडों में विभाजित है। खंड 1 जो है वो भाषाओं पर आधारित है, इसमें 33 भाषाएं, 13 भाषाएं जो माध्यम और भाषा के रूप में होंगी और बाकी 20 भाषाएं इसमें सम्मिलित हैं। खंड 2 जो है वो डोमेन विशिष्ट विषय यानी कि आपके सब्जेक्ट्स के आधारित है और खंड 3 जो है वो सामान्य परीक्षा यानी जनरल टेस्ट पर आधारित है। यह पूरा पेपर CUET का जो पेपर है ये कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT मोड में होगा। CUET का जो अवधि है और जिस तरह से आप पेपर देंगे उसके बारे में भी बता देते हैं आपको। खंड ए जो बताया भाषाओं पर आधारित है, इसमें 2 खंड है, एक खंड ए है जिसमें 13 भाषाएं हैं और दूसरे खंड में 1B में 20 भाषाएं हैं। प्रत्येक भाषा में आपकी जब आप टेस्ट देंगे तो 50 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आएंगे और आपको 40 प्रश्न हल करने होंगे। दोनों ही खंडों में ऐसा ही चलेगा। प्रत्येक भाषा के लिए आपको 45 मिनट सुनिश्चित किए गए हैं। किसी उम्मीदवार को सेक्शन 1A और 1B को मिलाकर अधिकतम 3 भाषाओं का आप चयन कर सकते हैं। ये सारा पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQ पर आधारित है। गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो पेपर ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से करिएगा, क्योंकि चॉइस है तो पहले देख लीजिए 50 में से किन 40 प्रश्नों में आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, उन्हें चुन लीजिए और फिर प्रश्नों के हल करिएगा। जो खंड 2 है यानी डोमेन विशिष्ट विषय, इनमें आपके पास 27 विषयों को CUET में सम्मिलित किया गया है। आप अगेन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर भी आपको 50 प्रश्नों में से 40 प्रश्नों का हल देना होगा। इसकी जो सिलेबस है वो NTA की वेबसाइट पर उपलब्ध है, पूरा NCERT बेस्ड इसका सिलेबस है इन सब विषयों का, और ये सब आपकी NTA की वेबसाइट पर CUET की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रत्येक डोमेन विशिष्ट विषय जो आप चुनेंगे उसमें आपको 45 मिनट दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 40 प्रश्नों का उत्तर 40 प्रश्न हल करने होंगे। कोई भी उम्मीदवार यहाँ पर अधिकतम 6 विषय चुन सकता है। दोबारा यहाँ पर MCQ बेस्ड प्रश्न होंगे और गलत क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्किंग भी है। 5 मार्क आपके सही उत्तर के लिए और 1 मार्क आपके नेगेटिव होगा अगर आपने गलत उत्तर चुना। जो तीसरा खंड है सामान्य परीक्षा, वहां पर सामान्य ज्ञान, सामयिकी सम्यान, मानसिक क्षमता, संख्यात्मक क्षमता, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, बेसिक मैथमेटिकल रीजनिंग जो कक्षा 8 तक आपने पढ़ी है, तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क के आधार पर है। यहाँ पर आपके पास 75 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको 60 प्रश्नों को हल करना होगा और आपके पास 60 ही मिनट भी होंगे, यानी कि इसकी अवधि भी 60 मिनट की होगी। जो CUET का स्ट्रक्चर है, इसमें जब आप अपने स्लॉट या अपने जब पेपर चुनेंगे तो आप मैक्सिमम अधिकतम 9 सब्जेक्ट चुन सकते हैं। या तो आप 2 भाषाएं चुन लीजिए, 6 डोमेन सब्जेक्ट ले लीजिए और 1 जनरल टेस्ट, या फिर 3 भाषाएं, 5 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट और 1 जनरल टेस्ट। अगर आपने CUET का पेपर भरना शुरू किया तो आपने देखा होगा वहां पर 2 स्लॉट में वो आपसे भरने के लिए कह रहे हैं। पहला स्लॉट जो है जो 3.25 घंटे का है, इसमें आप अधिकतम 4 टेस्ट या विषयों को चुन सकते हैं। खंड 1 यानी माध्यम और भाषा से 1 भाषा चुन सकते हैं, खंड 2 से इन्हीं भी 2 विषयों का चयन कर सकते हैं और खंड 3 सामान्य परीक्षा स्लॉट ए में दी गई है। स्लॉट 2 में जो 3 घंटे 45 मिनट का है, वहां पर आप अधिकतम 5 टेस्ट या विषय चुन सकते हैं। या तो आप खंड ए और खंड बी को मिलाकर 1 भाषा ले लीजिए और 4 विषय, या फिर 2 भाषाएं और 3 विषय। अगर आप स्लॉट ए चुनते हैं तो OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से जो बच्चे हैं EWS कैटेगरी, उन्हें 600 रुपए देने होंगे और
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 550 रुपये शुल्क हैं, और अगर आप स्लॉट टू भी लेते हैं तो भी फीस वही है, यानी अगर आप स्लॉट वन और स्लॉट टू दोनों लेते हैं तो ओबीसी और ईडब्ल्यू के उम्मीदवार 1200 रुपये देंगे और एससी एसटी इसी तरह 1100 रुपये देंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु आरक्षण नीतियां इस प्रकार हैं, अनुसूचित जाति के लिए 15% सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5%, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% और आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 10%। एससी एसटी के लिए आरक्षित सीटें केवल एससी एसटी उम्मीदवारों द्वारा ही भरी जाएंगी, हालांकि योग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के मामले में आरक्षित सीटों पर केवल एससी और एसटी के बीच में बदला जा सकता है या इंटरचेंज किया जा सकता है। विभागों महाविद्यालयों में इन सभी रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सभी सीटों को भरना एक वैधानिक बाध्यता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल वो है, प्रोविजन है। जितने भी उम्मीदवारों को शिक्षा के माध्यम में अगर उनकी कमी के आधार पर प्रवेश से मना नहीं किया जाएगा और विभाग और महाविद्यालय इसके लिए यूजीसी अनुदान का उपयोग करते हुए उच्चात्मक कक्षाओं यानी रेमिडियल टीचिंग की व्यवस्था करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय की जो नीतियां हैं वो सभी केंद्र सरकार की नीतियों का पालन करती है। एससी एसटी ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत प्रवेश हेतु उम्मीदवारों के समीप वैध प्रमाण पत्र होना जरूरी है। यदि आपके पास ये जो प्रमाण पत्र है वो आपकी जाति और जनजाति भारत सरकार की अनुसूची में सूचीबद्ध होना चाहिए। कुछ विशेष बातें जो आपके प्रमाण पत्र में होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आपके अपने नाम पर होना चाहिए यानी उम्मीदवार के नाम पर होना चाहिए, उसमें माता पिता का नाम भी होना चाहिए, जाति और जनजाति का भी वर्गीकरण होना चाहिए, उम्मीदवार के निवास स्थान, जिला और राष्ट्र केंद्र शासित प्रदेश का भी विवरण होना चाहिए, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। जो हमारे अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवार हैं, उनका जो प्रमाण पत्र होगा उसकी प्रतिलिपि नवीनतम वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रमाण पत्र पर होनी चाहिए जो 21 मार्च 2022 के बाद जारी हुआ हो। यदि आपके पास ये प्रमाण पत्र नहीं है तो सभी अभ्यर्थी अंडरटेकिंग अपलोड कर सकते हैं सीयूईटी के फॉर्म पर। हालांकि प्रवेश के समय यानी जब आप एडमिशन लेने आएंगे तब तक हमारी गुजारिश है कि आप ये सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, उम्मीदवार को उसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हाल वित्तीय वर्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा प्रवेश के समय। तो यदि आपके पास अभी नहीं है तो आप एक अंडरटेकिंग अपलोड कर दीजिए, मैं आपको अंडरटेकिंग के फॉर्म भी दिखा दूंगी। लेकिन जब आप हमारे पास अभी आपके पास 1-2 महीने और हम आपको टाइम दे रहे हैं, लेकिन जब आप अपना प्रवेश कार्यक्रम शुरू करेंगे, एडमिशन का कार्यक्रम शुरू करेंगे, तब आपके पास आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए जो हमें चाहिए होगा। ये एक प्रारूप है जो हमारे एनटीए की जो बुकलेट है उसके अंदर दिया हुआ है। इसी प्रारूप में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये एससी एसटी का प्रमाण पत्र है, यह आपको आपकी सीयूईटी की जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें दिया हुआ है, एनेक्शन 3 में दिया हुआ है। इसी प्रकार अगर आप ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपके पास जो बाई ओर है वह प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप जो राइट हैंड साइड में यानी कि दाई ओर दिया है वो डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए भी यही प्रमाण पत्र के प्रारूप दिए हुए हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो एनेक्शन 1A में दिया है, वह आपके पास होना चाहिए इस समय पंजीकरण करने के टाइम। अगर आपके पास किसी कारणवश ये नहीं है तो आप उसके साथ का दिया हुआ डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने भी कार्यक्रम है वह उनका एक बहुत ही व्यापक स्पेक्ट्रम है। हमारे यहाँ 73 बैचलर्स के प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिसमें कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंध पाठ्यक्रम, व्यवसायिक विषय, व्यवसायिक पाठ्यक्रम, प्रदर्शन आधारित पाठ्यक्रम में स्नातक शामिल है। प्रत्येक कार्यक्रम की अपनी विशिष्ट योग्यता या प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है। जो हमारे सीयूईटी के तहत प्रवेश होगा, दिल्ली विश्वविद्यालय में जो प्रवेश होगा उसके लिए आपको सीयूईटी में बैठना और सीयूईटी का पेपर देना अनिवार्य है।
एक्सेप्ट हमारी जो अगर आप SOL यानी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग या NC वेब में अगर आप प्रवेश चाहते हैं तो आप बेशक इस पेपर को ना दीजिए, आप जो क्लास 12th में पढ़ के आए हैं उसी के माध्यम से आपका एडमिशन होगा। सभी प्रवेश केवल CUET में प्राप्त अंकों के आधार पर ही होंगे। अगर आप सुपर न्यूमररी सीटों में प्रवेश चाहते हैं तब भी आपको CUET 2022 में उपस्थित होना अनिवार्य है। न्यूनतम योग्यता, उम्मीदवारों को एक ही मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा या समकक्ष की परीक्षा में पूर्ण रूप से उत्तीर्ण होना चाहिए। अब हमारी जो दिल्ली विश्वविद्यालय की योग्यताएं हैं उसके बारे में आपको अवगत करा देते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को CUET में कम एक भाषा में परीक्षा देनी चाहिए। आप देखेंगे मैंने जो ये लिस्ट दिखाई है आपको, वो लिस्ट ए है जो आपको हमारी बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन में मिल जाएगी। ये सभी 33 भाषाओं को सम्मिलित करती है, यानी आप सेक्शन ए और सेक्शन 1B की जितनी भी भाषाएं थी उनको हमने लिस्ट ए में ले लिया है, सभी 33 भाषाओं को। जो CUET का सेक्शन 2 था जो डोमेन स्पेसिफिक था, उसे हमने दो लिस्ट सूची में, लिस्ट B1 सूची B1 और सूची B2 में वर्गीकृत किया गया है। सभी उम्मीदवारों से अनुरोध किया जाता है कि जो उन्होंने कक्षा 12वीं में पेपर्स पढ़े थे, विषय पढ़े थे, उन सब में वो CUET का पेपर जरूर दें। ये हमारी सूची B1 और B2 है जिसमें 18 सब्जेक्ट्स तो हैं B1 में और 9 सब्जेक्ट जो हैं वो B2 में सूचीबद्ध हैं। अब थोड़े से हमारे कार्यक्रम से आपको अवगत करवा देते हैं, ये सिर्फ उदाहरण है, अधिक जानकारी के लिए आप हमारा बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन जरूर देख लीजिए। अधिकांश हमारे जो BSc के कार्यक्रम है उनके लिए योग्यता के लिए 3 विषय जो आपने क्लास 12th में पढ़े थे जिसमें साइंस के विषय है उन्हीं को हम मान्यता देंगे, और CUET में किसी एक भाषा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए यदि आप BSc ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंस, वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान लाइफ साइंसेज में एडमिशन चाहते हैं तो आप भौतिकी फिजिक्स, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री और जीव विज्ञान बायोलॉजी में पेपर जरूर दीजिए। यदि आप रसायन विज्ञान, भौतिकी और बहुगलक विज्ञान में एडमिशन चाहते हैं तो आपके पास भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित में पेपर जरूर दीजिए, और भाषा का पेपर भी इसमें ऐड होगा, लेकिन भाषा में आपको सिर्फ 30% अंक प्राप्त करना होगा। इसी प्रकार क्रम को आगे बढ़ाते हुए यदि आप BSc ऑनर्स कंप्यूटर विज्ञान, BSc ऑनर्स गणित और सांख्यिकी में प्रवेश चाहते हैं तो आप किसी एक भाषा में पेपर जरूर दीजिए। सूची एक में जो है हमारी गणित का पेपर यहाँ अनिवार्य है, और इसके साथ आपके कोई भी दो विषय जिनमें से कम एक सूची B1 में हो इसमें पर्चा दीजिए। BA ऑनर्स के जो हमारे प्रोग्राम है उसमें उम्मीदवार एक भाषा और खंड 2 के किन्हीं 3 विषयों में CUET दे 3 विषयों में से किसी एक भाषा का संयोजन के आधार पर प्राप्त उच्चतम अंकों पर मेरिट बनाई जाएगी। उदाहरण के लिए BA ऑनर्स दर्शन यानी फिलोसफी, BA ऑनर्स अप्लाइड मनोविज्ञान अप्लाइड साइकोलॉजी, BA ऑनर्स इतिहास हिस्ट्री, BA ऑनर्स समाजशास्त्र सोशियोलॉजी, समाज कार्य सोशल वर्क, भूगोल ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान मनोविज्ञान में आप सूची 1 में से कोई भी एक भाषा, सूची B1 से कोई भी 2 विषय और सूची B1 और B2 में से कोई भी एक विषय चुन सकते हैं। BA ऑनर्स संस्कृत जो हमारा कार्यक्रम है या जो भी कार्यक्रम जो हमारे भाषा रूपी है उनमें आपके पास, आपने अगर वो भाषा पढ़ी है तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं, और यदि आपने वो भाषा क्लास 12th में नहीं पढ़ी तब भी हमने उसका एक सिस्टम बनाया है जिससे आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिन्होंने उस भाषा में पेपर दिया होगा। उदाहरण के लिए अगर आप BA ऑनर्स संस्कृत चाहते हैं और अगर आपने संस्कृत का पेपर B1 या लिस्ट ए से चुना है तो आप 3 संयोजक 1, संयोजक 2 और संयोजक 3 के लिए एलिजिबल होते हैं, और अगर आपने संस्कृत का पेपर नहीं दिया CUET में तो आप संयोजक 4 के अंदर माने जाएंगे। जो संयोजक 1, 2 और 3 में पेपर देंगे, पर्चा देंगे, उन्हें संयोजक 4 से पहले एडमिशन के लिए कंसिडर किया जाएगा। प्रवेश के उपरांत जो रिक्त स्थान होंगे उन्हीं में संयोजक 4 का चयन होगा। 2 प्रोग्राम जिनके बारे में हमें बहुत सारी क्वेरीज आती हैं वो है BA ऑनर्स अर्थशास्त्र यानी BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स और BA ऑनर्स और BCom ऑनर्स।
यहाँ पर जो आपकी प्रवेश प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में या योग्यता है उनको आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अर्थशास्त्र के लिए गणित का पेपर देना अनिवार्य है और बाकी वैसे ही है जैसे पहले बताया गया था। और बीकॉम ऑनर्स के लिए या गणित का पेपर या फिर लेखा शास्त्र यानी अकाउंटेंसी में पेपर जरूर दीजिए और बाकी वैसे की वैसे ही है जैसे पुरान बताई गई थी। हमारी जो ओपन एलिजिबिलिटी प्रोग्राम्स है जैसे बीए प्रोग्राम, बीवॉक और बीकॉम पास, यहाँ पर आप दो कॉम्बिनेशन या दो संयोजन के में एडमिशन ले सकते हैं। पहला आपके जो बेस्ट फोर सब्जेक्ट थे लैंग्वेज को मिलाकर, भाषा को मिलाकर उसमें, या फिर दूसरा जिसमें आप एक भाषा एक विषय डोमेन टू से और सीयूईटी का जो सामान्य परीक्षा है उसके आधार पर प्रवेश ले सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि दोनों संयोजन की जो अंक है वो समान नहीं होंगे इसलिए यहाँ पर उचित प्रतिशत किया जाएगा। जो हमारे बैचलर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ बीएमएस और बीबीए कार्यक्रम है वहां पर आपका एक ही कॉम्बिनेशन है, एक भाषा, गणित का पेपर यहाँ अनिवार्य है और सीयू सेट का सेक्शन 3 यानी सामान्य परीक्षा देना अनिवार्य है। बीए ऑनर्स संगीत हमारे कुछ प्रोग्राम है जहां पर जो प्रस्तुति आधारित परीक्षा के आधार पर है जैसे कि संगीत और फिजिकल एजुकेशन या शारीरिक शिक्षा, यहाँ पर आपके लिए आपको दोनों में एक तो सीयूईटी में भी पेपर देना होगा और जो हमारा प्रस्तुति आधारित परीक्षा है उसमें भी आपको आना पड़ेगा। जो मेरिट होगी उसमें 50% महत्व सीयूईटी के अंक को दी जाएगी और प्रस्तुति आधारित परीक्षा को बाकी की 50% महत्वता दी जाएगी। अब दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में दी जाने वाली छात्रवृत्तियों के बारे में आपको अवगत करवा देते हैं। बहुत सारी स्कीम्स हैं हमारे यहाँ जो हमारे जब आप एडमिशन लेंगे, जब आप प्रवेश लेंगे जिस कॉलेज में जाएंगे तो वो कॉलेज आपको और भी बताएंगे, लेकिन उदाहरण के लिए हमें लगा कि हम आपको कुछ स्कीम्स के बारे में अवगत करवा दें। कुछ सेंट्रल स्कीम्स हैं जो आपकी वेबसाइट पे दिख रही हैं, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही हैं। कुछ स्टेट बेस्ड होती है जैसे कि दिल्ली स्कीम जो है, दिल्ली गवर्नमेंट जो है उनकी ये कुछ स्कीम है, बीआर अंबेडकर स्टेट टॉपर, मेरिट स्कॉलरशिप फॉर एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ओबीसी स्टूडेंट्स, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स फॉर एससी। इसी प्रकार यूजीसी भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स देते हैं जैसे कि ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये आपको बहुत सारी स्टेट स्कीम भी दिख रही है जो हर स्टेट के द्वारा दी जाती है इन सभी छात्रों को। ये एक वेबसाइट है जिसे आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। यहाँ पर भी आपको बहुत सारी स्कीम्स रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हायर स्कूल्स के ऊपर मिलेगी, श्रेष्ठ कार्यक्रम जो उनका चल रहा है। इसकी और जानकारी के लिए आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। इसी प्रकार अम्बेडकर फाउंडेशन .nic.in भी काफी स्कीम्स देते हैं, काफी स्कॉलरशिप स्कीम्स देते हैं जिनमें से जो चिकित्सा सहायक स्कीम्स हैं जो आपको दिख रही हैं। यहाँ पर अगर किसी, भगवान न करे लेकिन अगर किसी को जरूरत पड़ जाए, किडनी हार्ट लीवर मस्तिष्क या कैंसर के पीड़ित हैं और उनको इलाज के लिए चाहिए तो उन्हें ये स्कीम्स वो ले सकते हैं। बी आर अम्बेडकर अंतर जातीय विवाह स्कीम है, महान संतों की पुण्यतिथि समारोह के लिए भी स्कीम है। इसकी और जानकारी आप अम्बेडकर फाउंडेशन .nic.in पर देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारी दिल्ली विश्वविद्यालय की जो एडमिशन की वेबसाइट है, मैं आपको अभी वो भी दिखा देती हूँ और उससे भी आपको अवगत करा देती हूँ, उसे जरूर देखते रहें। उस वेबसाइट का URL जो है वो है एडमिशन admission.uod यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पर है, uod.ac.in। मैं आपको वो भी अभी दिखा देती हूँ, उसमें हमने बहुत सारी जानकारी डाली और ये जो वेबसाइट, ये जो वेबिनार है ये लाइव स्ट्रीम हो रहा है और अगर आप इसको दोबारा सुनना चाहें, देखना चाहें तो ये भी आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। पुराना जो हमारा वेबिनार हुआ था जो पिछले फ्राइडे हुआ था 22 तारीख को हुआ था जिसमें हमने सीयूईटी को और भी विस्तार में बताया था, वो वेबिनार भी लाइव है, उसका भी आपको इसी पे मिल जाएगा। और कुछ हमारे, मैं आपको अब वेबसाइट दिखा देती हूँ। एक मिनट,
आनंद सर स्क्रीन दिख रही है, वेबसाइट दिख रही है? हाँ जी मैम, वेबसाइट दिख रही है। ये हमारी वेबसाइट है admission.uod.ac.in। यहाँ पर सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसा कि ये जो रिबन चल रहा है, यहाँ पर जब आप जाएंगे तो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए कैसे रजिस्टर करें, cuet.samarth.ac.in में। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप cuet.samarth.ac की वेबसाइट पे चले जाएंगे। इसके साथ साथ लेफ्ट साइड में आपको सारी जानकारी देते जाएंगे, जैसे जैसे जानकारी आती जाएगी वो यहाँ पर डालते जाएंगे। इसी प्रकार आप अगर CUET के बारे में समर्थ की वेबसाइट पर जाके यहाँ से भी आप देखेंगे तो यहाँ आप क्लिक करेंगे जो ब्लू में टेक्स्ट हाईलाइट हो रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाएगा CUET का। जो सिलेबस है CUET.samarth, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसे भी मैं अभी दिखा देती हूँ आपको। और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है उसकी भी पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसी पर, इसी पेज में अगर आप और नीचे आएंगे तो हमने यहाँ बहुत सारे हेल्पफुल रिसोर्सेज डाले हैं, जैसे कि ये दो वीडियोस हैं। आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरेंगे, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही उपलब्ध है, विस्तार में जानकारी दी गई है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। इसी प्रकार हम बहुत सारे इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स डाल रहे हैं। आनंद सर इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं? जी मैम दिख रहे हैं। ये इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स जो है ये आपको एक ही जगह पर सारी जानकारी दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बीएससी एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज, मेडिकल साइंसेज, इन सब कार्यक्रमों में प्रवेश चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप स्ट्रक्चर क्या करेंगे, आप सीयूईटी की वेबसाइट पे रजिस्टर करिए। फिर अगर आपने सीयूईटी का पेपर इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में दिया है तो हम आपका स्कोर कौन सा मान्य होगा और कौन सा नहीं होगा, इसके बारे में ये हमने ग्राफिक से समझाने की कोशिश की है। जैसे कि इस स्कोर, इन सभी कोर्सेज के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही सिर्फ मानी जाएगी तो आपका स्कोर सिर्फ T1 कंसिडर किया जाएगा। बाकी अन्य जो आपके कॉम्बिनेशन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये कंसिडर नहीं किए जाएंगे। इसी प्रकार अगर आप बीकॉम ऑनर्स का देखेंगे तो, और आपने पेपर इंग्लिश, हिंदी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैथ और एंटरप्रेन्योरशिप में दिया है तो आपके ये सभी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, संभावित कॉम्बिनेशन आपके ये सब बन सकते हैं, 8 कॉम्बिनेशन, और इनमें से जो हाईएस्ट स्कोर होगा उसे कंसिडर किया जाएगा। तो ये सब एग्जाम्पल और इस तरह की बहुत सारी जानकारी हम समय समय पर डालते रहेंगे। पिछले वेबिनार्स और हमारे वेबिनार्स की घोषणा के लिए आप यहाँ देखते रहिए हमारी वेबसाइट के ऊपर। इसी प्रकार जब आप राइट साइड में, लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आप यूजी एडमिशन पर क्लिक करिए और यहाँ भी आपको सारी जानकारी जो हमारी एलिजिबिलिटी है, सीट मैट्रिक्स, सीयूईटी का स्ट्रक्चर कैसा है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, रिजर्वेशन पॉलिसीज क्या है, ये सब आपको यहाँ पर समय दर समय अवगत करवाते रहेंगे। अब मैं अपने फ्रेंड प्रोफेसर संजीव सिंह को आमंत्रित करती हूँ कि वो भी आपके साथ कुछ बातें शेयर करें। धन्यवाद सर। अभी तरह जैसा प्रोफेसर गांधी ने बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दिया सारे प्रवेश परीक्षा के बारे में और प्रवेश प्रक्रिया के बारे में, बहुत कुछ ज्यादा नहीं बचा है समझाने के लिए, लेकिन कुछ चीजें जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें तो उसको बहुत सावधानी से भरिए। कई बार छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। कई बार जल्दी जल्दी में हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन या हम अपने फ्रेंड से या हम अपने पेरेंट्स से एप्लीकेशन फॉर्म भरवा देते हैं तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी भर देते हैं क्योंकि वो फ्लो ऐसा होता है, तो उस वजह से काफ़ी समस्याएँ आ सकती हैं परीक्षार्थियों को और हो सकता है उनके एप्लीकेशन फॉर्म भी निरस्त हो जाएं। तो उसमें समय लगाइए, देखिए पहले, जैसा प्रोफेसर गांधी ने बताया सारी गाइड्स हैं, वीडियो गाइड्स अवेलेबल हैं, पीडीएफ फॉर्म अवेलेबल है, एप्लीकेशन फॉर्म का डमी पीडीएफ अवेलेबल है, आप उसे पढ़िए, आप एक उसका प्रिंट आउट निकाल के या किसी भी तरीके से सारे फील्ड्स को अपनी एक रफ कॉपी में आप पहले अपने आप भरिए, फिर उसको आप फाइनली लाइव एप्लीकेशन में भरिए, उससे गलती के चांस बहुत कम हो जाते हैं और आपको कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरी चीज ये है कि आप जब भी किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करें, हम यहाँ बात कर रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में जितने भी विषय पढ़ाए जाते हैं वो बहुत ही
तरीके से सूचीबद्ध किए गए हैं सीयूईटी की साइट पे, उनकी क्या क्या संभावनाएं हैं और उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, वो सारे बहुत अच्छे तरीके से विस्तृत तरीके से वहां पर लिखी हुई है। आप ध्यान लगाकर उसे पढ़िए और जहां आपकी योग्यता बनती है आप उसके बारे में समझ के फिर उस विषय का चयन कीजिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जिसकी वजह से आपको कोई भी भविष्य में समस्या ना आए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। एक बात हम आपको और बता दें, हमने कुछ हेल्प डेस्क और चैटबॉट्स की भी हमने कुछ चैटबॉट्स भी इंस्टॉल किए, कुछ ऐसे प्रावधान किए जिनसे अगर आप कुछ जानना चाहें, आप हमसे बातचीत करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वेबसाइट पे अगर आप बिल्कुल, मैंने वेबसाइट बंद कर दी, लेकिन राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ लिखा है वी आर हियर, वहाँ पर हमारे कुछ, अगर आप कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो आप डाल सकते हैं और उसका उत्तर भी आपको जल्दी मिल जाएगा। और हमारे सभी कॉलेजेस जो हैं वो भी हेल्प डेस्क नंबर्स और हेल्प डेस्क रूम्स जो हैं वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उनको बनाने की कोशिश में हैं, वो भी बहुत जल्दी डल जाएंगे। जैसा सर ने कहा, मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हूँ कि अगर आप किसी साइबर उससे फॉर्म भरवा रहे हैं, किसी ऐसे क्या कहते हैं सर उसे, साइबर कैफे से अगर आप फॉर्म भरवाते हैं तो वहां ना जाकर, अगर आपके पास दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई भी कॉलेज आपके क्षेत्र के आसपास है तो वहां जाइए, वहां पर आपके पास ये हेल्प डेस्क की बनाए हुए हैं, जहां पर जाके आप निशुल्क फॉर्म भर सकते हैं और ठीक फॉर्म भर सकते हैं। अब निशुल्क मतलब हम कुछ चार्ज नहीं करेंगे, आपको तो फीस देनी ही होगी। तो धन्यवाद सर। तो आप वहां जाके फॉर्म भर सकते हैं और आपको पूरी वहां सहायता भी मिलेगी। इसकी भी सारी जानकारी अगले हफ्ते तक हमारी वेबसाइट पे डल जाएगी। जी आनंद सर, कुछ प्रश्न है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर गांधी एंड प्रोफेसर सिंह। मैं आशा करता हूँ कि आपकी प्रस्तुतिकरण से विद्यार्थियों को काफी काफी लाभ हुआ होगा। कुछ प्रश्न है, अगर आप उनका उत्तर दे पाएंगी तो मुझे लगता है उनको और फायदा होगा। एक प्रश्न जो बार बार पूछा जा रहा है वो जाति प्रमाण पत्र के बारे में है कि जाति प्रमाण पत्र क्या उम्मीदवार के नाम से ही होना जरूरी है? जी ये तो बिल्कुल अनिवार्य है कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो आप ही के नाम पर होना चाहिए। और MTA की वेबसाइट पे वो दिया भी हुआ है, उनकी जो बुकलेट है उसमें दिया हुआ है। उसका अगर आप फॉर्म देखेंगे तो फॉर्म में लिखा ही ये है कि आपके नाम पे होना चाहिए। ये पृष्ठ 40 पर SC ST के लिए और पृष्ठ 36-37 पे दिए हुए हैं SC ST जनरल OBC के लिए, 36-37 पर वहां दिए हुए हैं। तो पहली लाइन ही ये कहती है कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट श्री श्रीमती कुमारी सन ऑफ श्री श्रीमती, विलेज का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट या यूनियन टेरिटरी का नाम। तो आपके पहली लाइन ही ये है कि जिसमें आपको अपने नाम पर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसमें जो NTA ने अपनी जो पुस्तिका पब्लिश की है, जो उनकी वेबसाइट पे है, सभी से हम अनुरोध करेंगे कि उसको डाउनलोड करें। उसका प्रश्न नंबर 20 से चैप्टर 4 जो है शुरू होता है, उसमें बहुत तरीके से सारी चीजें बताई गई हैं किस कैटेगरी या किस विशेष ग्रुप के लिए क्या सुविधाएं हैं, क्या प्रोसीजर है और किस तरीके से उनके फॉर्म भरे जाने हैं, वो सब बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताए हुए हैं। तो ये डाउनलोड जरूर करें। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। मैम एक प्रश्न और है कि OBC कैटेगरी का सर्टिफिकेट है पर वो 5 वर्ष पुराना है, तो क्या वो मान्य होगा? अभी मान्य तो नहीं होगा, मान्य तो नहीं होगा, लेकिन अभी अगर आपके पास सर्टिफिकेट पुराना है तो आप अंडरटेकिंग अपलोड कर लीजिए। लेकिन अभी आपके पास टाइम थोड़ा है, मतलब अभी हम अप्रैल में हैं, जुलाई तक जब आपका ये टेस्ट होगा और आप हमारे पास प्रवेश के लिए तब आप जब फॉर्म भरेंगे तब तक सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिए। NCBC की वेबसाइट जो है उस पर जाकर सर्टिफिकेट बन रहे हैं, आप प्लीज़ वेबसाइट देख लीजिए और वहाँ पर अपना बनवा लीजिए। मतलब हमारा अनुरोध है कि आप अपना ये सर्टिफिकेट शीघ्र ही बनवा लें ताकि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। अगर अभी नहीं है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, NTA आपको फॉर्म भरने से नहीं मना कर रहे हैं। आप वहाँ पर अंडरटेकिंग जो है, जो मैंने आपको दिखाई
रही थी, अंडरटेकिंग का प्रतिरूप दिखाया था, उस अंडरटेकिंग को डाउनलोड करके उसमें आप अभी भर सकते हैं। तो आपका फॉर्म रद्द नहीं होगा, टेस्ट में आप बैठ पाएंगे, लेकिन प्रवेश लेते समय एडमिशन के टाइम पर आप सब उम्मीद करते तब तक आप सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। बिल्कुल जी, धन्यवाद। एक प्रश्न दो राज्यों से आया है, ये केरल से भी आया है और उड़ीसा से भी आया है, कि कास्ट सर्टिफिकेट है पर वो उनकी रीजनल लैंग्वेज में बना हुआ है, तो क्या वो मान्य होगा? देखिए, भाषा से ज्यादा जरूरी है कि जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लिस्ट में, आपकी जो जाति है वो सेंट्रल लिस्ट में सूचीबद्ध होनी चाहिए, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सेंट्रल लिस्ट है वो जो NCBL की वेबसाइट है उसमें आप देख लीजिए, और उसमें आपकी जो जाति है या जनजाति है वो वहाँ सूचीबद्ध होनी चाहिए, वहाँ लिस्टेड जरूर होनी चाहिए। और जो भी हमारे, मैं एक चीज और, जो इशूइंग अथॉरिटीज है वो जरूर देख, जैसे जिला अधिकारी, तहसीलदार, उच्च जिला, जिनके थ्रू वहाँ हो सकता है उनसे आपका प्रमाण पत्र सिग्नेचर उनके होने चाहिए डेट के साथ। हनीत मैम, जो आपने जवाब दिया उसी से मिलता जुलता ये एक प्रश्न था, काफी तो आंसर हो गया है। अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी का एक प्रश्न है कि मेरी कास्ट स्टेट लिस्ट में तो मेंशन्ड है लेकिन सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, तो क्या मैं मेरा आवेदन माना जाएगा ओबीसी कैटेगरी? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो हमारे यहाँ नहीं माना जाएगा, लेकिन हो सकता है आप जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं वहाँ आपके उसमें, उस स्टेट के जो विश्वविद्यालय हैं या कॉलेजेस हैं उनमें शायद मान्यता रखता हो, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है इसलिए यहाँ मान्यता नहीं रखेगा। थैंक यू मैम। मैम, अगला प्रश्न भी इससे मिलता जुलता है, एक विद्यार्थी का पूछना है कि मेरा सर्टिफिकेट अभी बना ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ सर? या ये बहुत होता है और कई कई वर्षों से ये चीजें सामने आती हैं, किसी कारणवश डिले हो जाता है, या हम लोग ये मानकर चलते हैं कि जब एडमिशन के लिए प्रक्रिया शुरू होगी तब हम बनवाएंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। तो सभी अभ्यर्थियों से हम यही निवेदन करेंगे कि अभी से प्रक्रिया शुरू कर दें अपने सर्टिफिकेट बनवाने की, क्योंकि अभी तो आप अंडरटेकिंग अपलोड करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, लेकिन जब प्रवेश और जब दाखिला प्रक्रिया शुरू होगी तब वो मान्य नहीं होगा, तब आपको मूल प्रति आपको देना पड़ेगा उस सर्टिफिकेट का। तो अभी से आप लग जाए, आपके पास काफी समय है, 3 से 4 दिन में ये सर्टिफिकेट बन जाता है, आप उसको पहले से ही बनवा कर अपने पास संभाल कर रखें और जब भी जरूरत पड़े आप उसको लगाइए। थैंक यू सर। अगला प्रश्न है एक, कि ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट तो है पर उस पर सालाना आय अंकित नहीं है, जो उनकी एनुअल इनकम है वो उस पर मेंशन नहीं है। नहीं, जो टेम्पलेट है, जो हाँ, जो फॉर्मेट दिया है सरकार ने अपने यहाँ, वहाँ पर वो मेंशन है, उसी टेम्पलेट में बनाना पड़ता है। कई जगह जहाँ पर पुराने फॉर्म्स अभी भी प्रक्रिया में है वहाँ पर शायद वो जगह ना हो लिखने की, लेकिन जो NTA ने टेम्पलेट्स अपनी बुकलेट में पब्लिश किए हैं उसमें सब चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो उसको इंकित किया हुआ है। थैंक यू सर। सर, कुछ और सवाल भी आ रहे हैं, खासतौर से CUET की लास्ट डेट के बारे में, बच्चे काफ़ी परेशान हैं कि एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, फॉर्म अभी वो भर नहीं पाए हैं, तो क्या उन्हें कुछ और समय मिल सकता है? 6 तारीख लास्ट डेट है और ये इतना लंबा फॉर्म भी नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, वो मेरे ख्याल से NTA इस बारे में संज्ञान लेगी और जरूर कोई ना कोई निर्णय देगी। सर, और एक प्रश्न है एक विद्यार्थी का जो NIOS बोर्ड से पढ़ रहा है, उनका कहना है कि उनकी परीक्षाएं जुलाई अगस्त में होंगी तो उनका रिजल्ट काफी देर से आएगा, तो क्या उन्हें एडमिशन मिल पाएगा? उनके रिजल्ट की प्रक्रिया अलग होती है, लेकिन वो अपना कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट्स भी निकलवा सकते हैं जब दाखिला प्रक्रिया शुरू होगी, तो NIOS ये सुविधा देता है। ओके, NIOS, वो NIOS में कांटेक्ट करें और वहां से बात। और NIOS कह रहे हैं कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट आ जाता है
और हम उम्मीद कर रहे हैं कि सारे जितने भी बोर्ड्स हैं, क्योंकि उन सभी बोर्ड्स को अब मालूम है कि CUET का पेपर हो रहा है, तो वो उन सबको भी जानकारी है कि उन्हें रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर करने हैं, तो हमें उम्मीद है कि ज्यादातर बोर्ड्स का रिजल्ट आ जाएगा और NIOS की शर्त। और दूसरी बात ये है कि इस बार जो प्रवेश होगा, प्रक्रिया होगी, वो CUET के रिजल्ट से होगी, तो जो भी एडमिशन्स होंगे प्रोविजनल होंगे जी। और जब रिजल्ट आएगा वो उसका सत्यापन बाद में होगा, लेकिन प्रवेश प्रक्रिया नहीं रुकेगी क्योंकि CUET के रिजल्ट से प्रवेश होना है। ठीक है, बोर्ड के रिजल्ट से नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन करें, एग्जाम दें और बोर्ड के रिजल्ट से नहीं होगा एडमिशन। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद सर। एक तो चीजें जो आपकी बात से याद है वो यही है कि CUET का जो पेपर है, जैसा कि सर अभी बता रहे थे, वो जुलाई में होगा, तो बच्चों में काफी डर है जो हमें सुनने में आ रहा था कि सिलेबस कैसा होगा, क्या उनकी तैयारी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। इसके लिए भी आपको, जैसे मैंने अभी बताया था, CUET का सिलेबस जो है वो जरूर देख लीजिए, जो CUET.samarth.ac.in पर है, और उस सिलेबस को जरूर पढ़ लीजिए। ये बुकलेट है, ये डाउनलोड करके इसको अच्छे से पढ़ लें जी। और इसके साथ जो सिलेबस है वो जरूर देख लीजिए, वहां पर बहुत विस्तार में दिया हुआ है कि क्या क्या पूछा जाएगा, तो उसे जरूर बच्चे देख लें, क्योंकि कई बच्चों में ये आशंकाएं हैं कि उन्हें तैयारी नहीं की हुई है, या उनके कुछ सेक्शन जो थे बोर्ड में वो हटाए गए हैं, तो कैसे वो देंगे CUET का पेपर। इस सब का संज्ञान NTA ने लिया है और उन्हें मालूम है, तो आप घबराइए नहीं, आपका जो पेपर होगा वो आसान होगा, आपने जो कक्षा 12वीं में पढ़ा है उसी को आप दोबारा दोहरा लीजिए और उसी को दोबारा रिवाइज कर लीजिए। धन्यवाद। एक और प्रश्न है गैप ईयर के छात्रों का, कि क्या वो अपना पंजीकरण करके रजिस्ट्रेशन एडमिशन ले सकते हैं, या उनको कोई और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए? नहीं, अगर आपने किसी कारणवश आप नहीं कर पाए, पढ़ाई छूट गई है, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं CUET में और दिल्ली विश्वविद्यालय में भी एडमिशन ले सकते हैं, प्रवेश ले सकते हैं। सिर्फ CUET का पेपर 2022 वाला जो पेपर हो रहा है वो देना चाहिए, गैप ईयर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पेपर दीजिए CUET का और उसमें उत्तीर्ण होइए। धन्यवाद मैम। एक और बड़ा ही अच्छा प्रश्न आया है, आई थिंक कुछ महिला उम्मीदवारों ने किया है, कि लास्ट ईयर तक जब तक कट ऑफ होती थी, कुछ कॉलेजेस में गर्ल्स को कंसेशन मिलता था कट ऑफ में, तो ऐसा कुछ इस साल भी है क्या प्रयोजन? प्रवेश की जो पॉलिसीज है उन पे अभी हम काम कर रहे हैं, और बहुत जल्द बुलेटिन का पार्ट 2 हम रिलीज करेंगे, उसमें इन सभी बातों का हम आपको जवाब दे देंगे। वैसे हमारे कॉलेजेस भी हैं जो सिर्फ महिलाओं के लिए हैं, हमारे बहुत से कॉलेजेस सिर्फ महिलाओं के लिए हैं, तो वहां पर महिलाओं के लिए ही सीटें आरक्षित हैं, तो ऐसे कॉलेजेस हैं हमारे, लेकिन उनकी जो प्रश्न है वो बहुत वैलिड है, उसके बारे में हम बहुत जल्दी आपको बता देंगे। हमारी वेबसाइट जरूर देखते जाइए, इन सभी सवालों, जो आप सवाल पूछ रहे हैं, इन सबके जवाब आपके पास बहुत जल्दी हमारी वेबसाइट पे डल जाएंगे। अभी तो आप एंट्रेंस टेस्ट की संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया CUET की तैयारी करिए, उसमें पंजीकरण करिए, आवेदन पत्र दीजिए और उसकी तैयारी करिए। बिल्कुल मैम। एक प्रश्न और मैं लेना चाहूँगा, जैसे आपने SOL और NCWEB के लिए बताया कि उनकी प्रवेश प्रक्रिया जैसी पिछले साल थी वैसी ही रहेगी, तो NCWEB में एक प्रश्न है कि क्या जो लोग दिल्ली में रहते हैं सिर्फ वही उसमें एडमिशन ले सकते हैं? जी, क्योंकि जो NCWEB का जो स्ट्रक्चर है, रूपरेखा है, वो सिर्फ उन्हीं महिला विद्यार्थियों को प्रवेश देते हैं जो NCR रीजन में जिनका डोमिसाइल है, तो ये एक प्रक्रिया का अंग है, तो इसमें यही मान्य है। ठीक है। और सर इसी तरह SOL के बारे में भी कई विद्यार्थी पूछना चाह रहे हैं कि उनका एडमिशन कब तक स्टार्ट होगा? स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का प्रवेश प्रक्रिया जो संभावित जो तिथियां हैं वो मई के अंत में या जून के आरंभ में अनाउंसमेंट आएगा। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद सर। सर एक प्रश्न और बार बार आ रहा है छात्रों का, कि उनका सर्टिफिकेट अभी कास्ट सर्टिफिकेट उनके नाम पे नहीं बना है, लेकिन उनकी माताजी के नाम पर है, तो क्या वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, जैसा पहले भी बताया, मैडम ने भी बताया
इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। जो सरकार ने और जो मंत्रालय ने अपना एक स्ट्रक्चर रूपरेखा बताई है उसी रूपरेखा के अनुरूप ही सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसीलिए हम बार बार आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि इस बुकलेट को आप डाउनलोड कीजिए, इसमें सारे प्रारूप दिए हुए हैं हर सर्टिफिकेट के, उसी को फॉलो कीजिए और कोई कुछ भी बताता है तो उसको ना सुनिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। सर अब मैं अंतिम प्रश्न लेता हूँ, ये EWS कैटेगरी के बारे में है, उनका पूछना है कि अगर हमारे पास इनकम सर्टिफिकेट है तो क्या हम वो अपलोड कर सकते हैं? इनकम सर्टिफिकेट मतलब आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र नहीं है। अच्छा अच्छा, आप एक बार फिर आप इसका जो प्रारूप है उसी को देख लीजिए। EWS का भी इसमें दिया हुआ है क्लियरली सर्टिफिकेट का प्रारूप, तो इसमें जितने भी हैं, जितने भी जो जिज्ञासाएं हैं वो इस बुकलेट से दूर हो जाएंगी। कौन एलिजिबल है, कौन सा फॉर्मेट ठीक है, कौन सा नहीं है, क्या इंफॉर्मेशन देनी है, एक बार जरूर पढ़िए। और ये जितने भी आज प्रश्न उत्तर का ये जो है इसको कंपाइल करके हम अपनी वेबसाइट पे भी डालेंगे। और इसीलिए जैसा मैडम ने बोला कि आप निरंतर मतलब बार बार इस वेबसाइट को देखते रहिए, क्योंकि जो भी अपडेट आते हैं वो इसी वेबसाइट पे आते हैं admission.uod.ac.in। बहुत बहुत धन्यवाद सर और मैम, इसके साथ हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, पहले हनीफ मैम का, उन्होंने जिस सरलता से प्रस्तुतिकरण किया उससे विद्यार्थियों की काफ़ी जिज्ञासाएं शांत हो गई, और प्रोफेसर संजीव सिंह सर का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिस पेशेंस के साथ उन्होंने प्रश्नों का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आनंद सर, एक हम अपने जितने भी हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं उनको एक बात बता दें कि परसों यानी 1 मई को दिल्ली विश्वविद्यालय का शताब्दी समारोह है, इसे इसका लाइव टेलीकास्ट इसमें मुख्य अतिथि जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री वेंकैया नायडू जी हैं और शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी वो इस कार्यक्रम का हिस्सा है, तो आप लोग जरूर उसका लाभ उठाएं, उसका सीधा प्रसारण दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर होगा। इस वेबसाइट को जरूर देख लीजिए और इस पे आपको पूरा लाइव स्ट्रीमिंग होगी। और इसी बात से मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ कि जो लोग इस साल हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय का हिस्सा बनेंगे, आई थिंक ये बहुत प्राइड की बात है कि आप सब शताब्दी वर्ष का हिस्सा बनेंगे। तो जब आपकी डिग्री होगी तो उसमें 2022 जो होगा वो एक स्पेशल मेंशन होगा, उसमें जो लोगो है शताब्दी का वो लोगो लगा होगा। शायद ये मौका किसी को नहीं मिलेगा, मतलब ना आगे वाले बैचेस को मिलेगा ना इसके पीछे वाले बैचेस को मिलेगा। तो ये हमें बहुत इस बात का हर्ष और उत्साह है और हम आपको इस बात के लिए आमंत्रित करते हैं, जो भी दिल्ली विश्वविद्यालय में इस साल हिस्सा लेंगे तो उनकी डिग्री का ये पार्ट बनेगा। तो धन्यवाद आनंद सर इस समारोह फॉर कंडक्टिंग द वेबिनार। सर इससे पहले कि हम एक दूसरे को अलविदा कहें, मैं हमारे कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े, छात्रों का मार्गदर्शन किया, उनका स्वागत किया, और हमारी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास गुप्ता जो समय समय पर मार्गदर्शन बच्चों का करते रहते हैं, उन दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपके ट्रस्ट संचालन के लिए, आपको भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और सर बच्चों को मैं ये बताना चाहूँगा कि इस रिकॉर्डिंग इस वेबिनार की हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, वो जब चाहें इसे दोबारा देख सकते हैं। नमस्कार। और भी हम वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे आती रहेगी, तो देखते रहिएगा। धन्यवाद।